नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दिल्ली गांव भोरगढ़। और आज हम बात करेंगे, काफ़ी चर्चा में है एक जगह सैनीवास, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर कोई संत महात्मा झाड़ा लगाता है और उस झाड़े से शरीर में कोई भी बीमारी है, कष्ट है, वो सब दूर हो जा रहे हैं। ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये हम उन लोगों से जानेंगे जो उससे पहले जा चुके हैं। ये आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे महाराज से भी कि आखिरकार वो क्या शक्ति है जिसको लेकर ये पब्लिक का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और उस गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस गांव के अंदर कितने वर्षों से ये शक्ति थी या पहले नहीं थी, और क्या कुछ उस गांव के लोगों को इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। हम इन चीज़ों पर सबसे बात करेंगे। और आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से जो यात्री जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतरा। संतरा कहाँ के रहने वाले हैं? भोरगढ़ के। ये कहाँ जा रहे हैं आप? हम सैनीवास। इससे पहले भी गए थे आप? हाँ, एक बार। क्या आप, तकलीफ क्या थी आप लोगों को? शुगर। तो आपके आराम है आपको? पहले टेस्ट कराया था आपने? हाँ, करवाया था। कराया था? कराया था। और अब बाद में वहाँ से आने के बाद कराया? फिर करवाया। क्या लेवल मिला? कुछ मिला, थोड़ा सा कम है। हाँ, कम पहले से। हाँ। तो दवाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? दवाई तो खानी पड़ रही है थोड़ी। अगर दवाई खा रहे हैं फिर आपको कैसे पता लगेगा उस झाड़े से फायदा है नहीं? जो मान ले टीका टाका लगवाओ थे वो बंद करा क्या? अच्छा, जो पहले टीके लगते थे। हाँ। इंजेक्शन लगाते थे आप पहले? हाँ। और वो बंद हो गए? हाँ। क्या नाम आपका? आशा। आशा जी, कहाँ के रहने वाले? भोरगढ़ के। ये क्या बीमारी थी आपको? मेरे शुगर भी है, पैर में बहुत दर्द रहा था। अब क्या है? अब बोल आराम है। तो दवाई खाते थे पहले? हाँ, पहले दवाई खाऊं थी, बालका ने भी चढ़ाई रखू थी, कति नहीं आराम होता, और अब कति बिल्कुल ठीक है। तो आप दवाइयाँ बंद कर दी आपने? हाँ, दवाई बंद कर दी। कितने दिन से है शुगर? हाँ। शुगर तो घने दिन था मेरे। तो अभी झाड़ा लगाने कब गए थे? झाड़ा लगा के हफ्ते गए थे, मंगलवार को। पिछले हफ्ते? हाँ। आप फिर जा रहे हैं? हाँ, आप फिर जा रहे हैं। कितना आराम है? मेरे बहुत आराम। तो इसे टेस्ट कराया आपने कहीं पे? टेस्ट करवाया था, शुगर पहले ज़्यादा था, अब नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। चलिए और भी जानते हैं, यहाँ पर ये भाई है, क्या नाम आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? भोरगढ़ में रहते हैं। भोरगढ़ में? हाँ जी। तो आप पहले गए हैं? नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ, हमारी वाइफ दोबारा जा रही है। अच्छा। हाँ जी। क्या तकलीफ है आपको? हमारे कमर में दर्द और ये घुटनों में दर्द। तो क्या बताया था आपको? तो मैडम हमारी गई हैं पिछले हफ्ता, तो उनको आराम मिला है। किसने बताया था आपको ये चीज़ें? ये चीज़ मतलब हमारी आंटी जी है। अच्छा। उन्होंने बताया? उन्होंने हमको बताया। क्या? कि मतलब वहाँ ऐसे ऐसे होता है, वहाँ आप जाइए तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, आपका तो क्या नाम है? सुमन। सुमन कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम यहीं रहते हैं। हाँ, तो यूपी के। अच्छा। भोरगढ़ में रहते हैं। तो इससे पहले भी आपने गए थे पहले यहाँ? बस ये अगले हफ्ते गए थे। तो क्या तकलीफ थी आपको? हमारे ये सारा दर्द पूरे बदन में होता है, सर दर्द करता है, आँख में दर्द रहता है, तो इस हफ्ते तो आराम है। तो झाड़ा लगवाया आपने? हाँ। तो झाड़ा लगवाने के बाद फायदा हुआ आपको? अब हमको तो समझ में आ रहा है कि हमको फायदा है, क्योंकि दर्द नहीं हुआ तब तो दोबारा जा रहे हैं। दवाई खाते थे पहले? दवा पहले खाए थे, बिना दवा के कैसे रहेंगे? अभी भी दवाई खा रहे हैं फिर? नहीं, इतने समय तो नहीं खाए, एक पूरा हफ्ता बीत गया, अभी तो दवा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आपका क्या नाम है? शकुंतला। शकुंत, आप गए थे अभी? हाँ। तो क्या आराम मिला आपको? हमारे नहीं, पैर में दर्द था, सिर में दर्द था, नींद नहीं आती थी। अब तो हमको सब नींद उंद आती है, सिर में दर्द भी नहीं आती है। अच्छा, कब से? कब से? अरे हमको बहुत काफ़ी दिन हो गया, शुगर है ना हमारी। तो नहीं, आप जो है झाड़ा लगाने कब गए थे? अरे ये सोमवार गया ना जो आगे, तभी गए थे अगले आप। अच्छा, तो उसके बाद अब आराम है आपको? हाँ, दवाइयाँ बंद कर दी? हाँ। चलिए, ये एक अनोखा चमत्कार है कि जो लोग वहाँ पर जाकर झाड़ा लगवा रहे हैं उनको अब ये जिस तरह से बता रहे हैं, अभी आंटी जी काफ़ी उम्र हो चुकी है इनकी, और इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो है आवश्यकता होती है दवाई की, और इनका कहना है कि जब से हमने वहाँ पर झाड़ा लगवाया है तब से दवाइयाँ हमारी बंद हैं। तो ये भी देखते हैं और वहाँ पर भी जाकर देखते हैं हम लोग कि क्या कुछ है, और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? मुख्तारी। क्या आप पहले गए थे आप? हैं? पहले गए थे आप वहाँ पे? हाँ, गए थे। तो कितना आराम आपको? बस थोड़ा बना आड़े लगा दी। अच्छा, पहले चल नहीं पाते थे ना? और अब? बस इतना चल जाता है। तो अभी पैदल चल गया है बाइक से? ना, उड़े लगता स्कूटर पर छोड़ गया छोरा। और वहाँ से पैदल आ गए? हाँ। पहले चला नहीं जाता था? चलो
तो अब ये देख सकते हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा दिखाएं, पंकज जी थोड़ा इधर दिखाएं, ये बैसाखी के सारे जो चल रहे हैं, और इनका कहना है कि पहले चल नहीं पाते थे, लेकिन अब ये अगर चल पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ शक्ति तो ज़रूर होगी, और क्या कुछ शक्ति है ये भी हम जानते हैं, और वहाँ तक कैसे जाया जाएगा इस चीज़ के बारे में भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे आप लोगों को। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, टैलेंट अपने रोहतास सिंह योगी।